نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين، आप लोग देख रहे हैं ब्रेक द बैरियर्स विद अलिश्पा अहमद अराइन, जहाँ पे हम हर मंडे आते हैं लाइव अनसब कुरेशी स्पीचेस के पेज पे विद डिफरेंट टॉपिक विद डिफरेंट गेस्ट, ताकि हम यंगस्टर्स की लाइफ में जो बैरियर्स हैं उनको ब्रेक करने में उनकी मदद कर सकें। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे फरवा, अस्सलाम वालेकुम आपी। नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अबाउट क्रिटिसिज्म, रिलेशनशिप बैरियर्स एंड फियर ऑफ फेल्योर, जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये ऐसे बैरियर्स हैं हमारे लाइफ के जो यंगस्टर्स को बहुत परेशान कर देते हैं, और इन पे बात की जाती है लेकिन इनके सॉल्यूशंस पे बहुत कम बात की जाती है। तो हमने सोचा कि हम इन टॉपिक्स को एक साथ आपके सामने लाइव लेके आए डॉक्टर उम्मे फरवा के साथ, हम ब्रेक बैरियर्स। अस्सलाम वालेकुम आपकी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी कैसी हैं हो? आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनो कैसी हैं? मैं हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी हाँ, मुझे आवाज हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे आवाज अभी आ रही है। तो हमने देखा कि आप माशाल्लाह से जिस प्लेटफॉर्म पे गई आप वहां पे कामयाब हुई अल्लाह के फजल से। तो जाहिर है जो इंसान ऊपर जब चढ़ता है ना, तो वहां पे उसको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है, ब्लेमिंग भी फेस करनी पड़ती है। तो आप तो काफी फेमिलियर होंगे इन चीजों के साथ, तो आप क्या समझती हैं कि क्रिटिसिज्म जो है वो लाइफ में नेगेटिव लेना चाहिए या पॉजिटिव लेना चाहिए? यार देखो, डिपेंड करता है कि क्रिटिसिज्म किस तरह। इंसान तो मैंने भी जिंदगी में बहुत क्रिटिसिज्म मैंने भी बहुत झेला है। मतलब यू वांट डिबेटिंग कैरियर शुरू हुआ था तो सीनियर डिबेटर्स मेरी आवाज को मर्दाना बोलते थे और कहते थे कि तू तो बड़ी मर्दाना आवाज है और डिबेट करता है तो ऐसा लगता है लड़ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस क्रिटिसिज्म को नेगेटिव नहीं लिया, मैंने बल्कि क्या किया, मैंने उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लिया और मैंने उसको एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इस्तेमाल किया। और मैंने दिल में सोचा कि अगर इनको मेरी आवाज मर्दाना लगती है तो लगे, लेकिन मैं तो अपनी इसी आवाज से अपनी पहचान बनाऊंगी। और फिर यकीन करो कि मेरी जितने भी डिबेट कॉम्पिटिशन वगैरह हुए तो उसमें मैं जिनमें भी जीती वो इसी वजह से जीती क्योंकि मेरी आवाज भारी है और जब मैं बोलती हूँ तो वो बहुत पुर असर महसूस होती है और उसका जो है ना एक सुरूर सा तारी हो जाता है सुनने वालों पर, एक रोब सा तारी हो जाता है। तो इनफैक्ट मैंने जितने कॉम्पिटिशन जीते फिर वो इसी वजह से जीते कि मेरी आवाज मुख्तलिफ थी बाकी लड़कियों से। तो क्रिटिसिज्म यार डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर कि हम उसको कैसा लेते हैं और हम उसके खिलाफ रिस्पॉन्स कैसा करते हैं। तो क्रिटिसिज्म को मेरे ख्याल से कि हमें उसके खिलाफ जो हमारा रिस्पॉन्स है ना, क्रिटिसिज्म नेगेटिव भी हो तो उसके खिलाफ हमारा रिस्पॉन्स पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी ये समझती हूँ कि लाइफ में किसी भी चीज का इफेक्ट आप पे जो हो रहा है वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप उसको खुद पे असर कैसे होने दे रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप ही हम आपसे सेकंड सवाल अपना ये करेंगे कि ओपिनियन में और क्रिटिसिज्म में क्या फर्क है? यार, ओपिनियन और क्रिटिसिज्म में बहुत वाजे फर्क है। ओपिनियन होता है कि भाई मैं ये समझती हूँ और मैं ये समझता हूँ। क्रिटिसिज्म ये होता है कि आप किसी के दूसरे के ऊपर जो है ना रख कर बात करें। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है हमारी सोसाइटी का कि हम दूसरों के ऊपर रखकर ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, हम जो है ना अपना ओपिनियन देंगे भी ना तो हम उस 5 लोगों को अपसेट कर देंगे अपने ओपिनियन से। ठीक है, हम अपना ओपिनियन हमेशा बायस देते हैं। पहली बात तो ये, कभी भी हम न्यूट्रल ओपिनियन दे ही नहीं सकते हैं अपना। ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मसला है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी को क्रिटिसाइज भी करें ना तो हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। ठीक है, वो जो है ना डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ना हो बल्कि कंस्ट्रक्टिव हो। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैसे किया जाता है कि मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, तुमने कोई तकरीर की, ठीक है, और मुझे पसंद नहीं आई और मैं जज हूँ मुकाबले की, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि यार बहुत बकवास तकरीर की थी, बहुत बुरी तकरीर थी। मैं ये कहूंगी तुमसे कि यार तुम्हारा अंदाज मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा अगर तुम अपने कॉन्टेंट पे काम करो तो तुम अपना नाम बना सकती हो। मैं इस तरह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करूंगी।
तो ओपिनियन जो है ना वो ही आप इस तरह दें कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बन जाए, अगर आपको किसी और के ऊपर भी अपना ओपिनियन देना है तो। मतलब आप डायरेक्ट किसी को ये ना कहे ना कि आई डोंट अग्री विद यू, बस आप कह दे कि आई एम एग्री विद यू, मगर आप इस काम को इस तरह से करना शुरू हो तो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा वो। हाँ नहीं, वो उसमें ये है कि आप अपना ओपिनियन भी इस अंदाज से दें कि आप पहले जो है जिसके बारे में ओपिनियन दे रहे हैं उसकी तारीफ करें, उसकी जो चीज अच्छी लगती है आप उसके बारे में बात करें, एंड देन क्रिटिसिज्म करें। बिल्कुल। अच्छा आप ही क्या है कि क्रिटिसिज्म जो है ना ये हमारे सोसाइटी का एक पार्ट बन गया है, मगर यंगस्टर्स जो समझ नहीं पा रहे इस बात को और फिर स्ट्रेस लेना स्टार्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इवन उन लोगों को पता भी है कि वी लव क्रिटिसाइजिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स, इवन पेरेंट्स, इवन फ्रेंड्स, इवन इमाम कंप्लेन अबाउट कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन कंप्लेन अबाउट इमाम, मगर यंगस्टर इस बात को समझ नहीं पा रहे, तो फिर वो इससे कैसे निजात हासिल करें? क्रिटिसिज्म को किस तरह लेना, इससे कैसे निजात हासिल करें। आप एक दफा दोबारा रिपीट करें, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं ये पूछ रही हूँ कि किस तरह नौजवान क्रिटिसिज्म को किस तरह बर्दाश्त करेंगे, ये सवाल कर रही हूँ। मैं ये सवाल कर रही हूँ कि क्रिटिसिज्म से यंगस्टर्स कैसे निजात हासिल करें, कैसे डील करें उसके साथ पॉजिटिवली। लाइक हमने उनको बता दिया कि पॉजिटिव वे में उसके साथ डील करें, मगर अब उन्हें हम सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं कि किस तरह से पॉजिटिवली डील करें। अच्छा कैसे डील करें। देखो हाँ ठीक है, समझ गई तुम्हारा सवाल। देखो सिंपल जी सी जी बात है, बी फॉर बर्थ एंड डी फॉर डेथ, ठीक है, जी बट देर इज समथिंग बिटवीन बी एंड डी एंड इट इज सी विच इज चॉइस। जॉइंट्स ठीक है, डेथ मैं अपने इर्द गिर्द के एनवायरमेंट से, मैं जो क्रिटिसिज्म मुझे मिलता है उससे कैसे डील करती हूँ, ये मेरी चॉइस है। बिल्कुल अगर मैं चूज ही ये करती हूँ कि मैं क्रिटिसिज्म से नेगेटिव तरह डील करूँ, बिल्कुल ठीक है, तो मैं खुद भी नेगेटिव ही बन जाऊंगी और उसके सारे चीजें भी नेगेटिव ही हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं चूज करती हूँ कि मैं क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लूंगी और फिर पॉजिटिव ही एक्ट करूंगी और उसको कंस्ट्रक्टिव समझूंगी, तो मैं उस क्रिटिसिज्म के खिलाफ अपना रिस्पॉन्स चेंज कर लूंगी। ठीक बिल्कुल है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, मसला हमारे यहाँ सबसे बड़ा यह है कि हम चूज नहीं करते हैं कि हम पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, हम बहुत जल्दी जो है वो नेगेटिविटी की तरफ अपना, अगर नेगेटिव कोई हमसे हो रहा होता है तो हम फौरन ही अपना हौसला हार जाते हैं, हम तनकीद फौरन ही अपने हथियार डाल देते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें जो है वो नेगेटिविटी से छुटकारा पाने के लिए और उसे बिल्कुल भी करने के लिए, भाई आप क्या करें, ऐसे तमाम लोग जो आपको ये बताते हैं कि भाई आप नहीं कर सकते, सबसे पहले ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से माइनस कर दें, सिंपल सी बात है। ठीक निकाल है, अगर कोई आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते बल्कि उल्टा आपसे ये बोलते हैं कि भाई तुम तो कर ही नहीं जी। सकते, तो इस तरह के सारे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दें, क्योंकि इतनी छोटी सी जिंदगी में हमें ये बताने वाले लोग नहीं चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपकी आपने। अच्छा अब हमारा जो सेकंड पार्ट है शो का वो है कि रिलेशनशिप बैरियर्स। अच्छा जब रिलेशनशिप की बात आती है तो लोगों के ख्याल में ना ये दो करेक्टर्स आते हैं, लड़का या लड़की। अब यंगस्टर्स ये भूल चुके हैं कि हमारी लाइफ में कुछ और रिलेशंस भी ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरह कि मैं पहले बात करूंगी फ्रेंडशिप के बारे में। अच्छा अब दोस्त अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन जो टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि टॉक्सिक फ्रेंड्स को अपनी लाइफ से कैसे निकाले, रखें ना रखें, कैसे डील किया जाए उनके साथ? अच्छा देखो यार, जो टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं ना हमारी जिंदगी में, सबसे पहले तो जरूरी है टॉक्सिक फ्रेंड्स की आइडेंटिफिकेशन, कि बिल्कुल हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि टॉक्सिक फ्रेंड्स हमारे हैं कौन से। ठीक है, जी अगर आपका दोस्त आपके नए दोस्त बनने पर चिढ़ता है या आपके नए दोस्त बिल्कुल बनने पर जो है वो बुरी तरह रिएक्ट करता है, इसका मतलब वो टॉक्सिक है। ऐसा दोस्त जब आप कुछ भी अच्छा करने वाले हों तो वो बजाय के आपको सपोर्ट करे, वो आपको नीचा पुश करता है और आपको बोलता है कि भाई ये तो कुछ गलत हो रहा है ना, मतलब उसमें से भी कोई नेगेटिविटी निकाल देता है, तो वो बिल्कुल टॉक्सिक है। बिल्कुल ठीक है, अगर जी कोई ऐसा दोस्त जो आपकी कामयाबी से जलता है या आपके पार्टनर
से चलता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके आपको बहुत अच्छा फियांसे मिल गया जी और वो आपसे कहता रहता है, यार तुम्हें कैसे इतना अच्छा कोई मिल गया, अच्छा तुम्हारे है। साथ ऐसा कैसे हो गया. ठीक है, हसद करता है आपसे, तो खुद ही आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये टॉक्सिक है. लेकिन टॉक्सिक लोगों की एक निशानी होती है कि वो आपको अकेला कर देना चाहते हैं. वो बिल्कुल चाहते हैं उनके अलावा आपका कोई सहारा ना हो, बिल्कुल उनके ऐसे अलावा आपका कोई दोस्त ना हो, उनके ना अलावा आपके पास कोई बात करने वाला ना हो. तो ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम दोस्त आपकी जिंदगी में हैं जो ये चाहते हैं कि, जो ये समझते हैं कि भाई हमारे अलावा इनका कोई दोस्त नहीं होना चाहिए, या जलने लगे, या बेकार बेकार सी बात पे लोग नाराज हो जाते हैं ना, जो समझ में भी नहीं आता है. जो दोस्त ऐसे होते हैं जो फजूल की बातों पे नाराज हो जाते हैं आपसे, और आप बैठ के सोचते रहते हैं कि ये तो नाराज होने वाली बात भी नहीं थी और ये इस पे भी बिल्कुल नाराज हो गए. तो ठीक है ऐसे आपने। तमाम लोगों को सिंपली, ऐसे दोस्त भी इस काबिल नहीं होते कि आप उनको जिंदगी में रखें. तो ऐसे दोस्तों को भी सीधा सीधा अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि लाइफ इतनी छोटी है, उसमें टॉक्सिक लोगों को नॉन टॉक्सिक बनाने में लगे रहेंगे, या नेगेटिव लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने कांधों पे ले लेंगे, तो हम अपनी ग्रोथ कैसे करेंगे? इस तरह हमारी बिल्कुल अपनी ग्रोथ रुक जाएगी. अच्छा अभी अब हम लोगों ने ये फैसला तो कर लिया कि इस तरह के लोगों को हमने जिंदगी से निकालना है, पर बाजू का क्या होता है कि इस तरह के लोग फिर दुश्मन बन जाते हैं, तो फिर उनसे उनसे कुछ इस तरह का आपको टिप्स बताएं कि इस तरह से उनको जिंदगी से हम निकालें कि उनको भी बुरा ना लगे और हमारी सेफ्टी रहे। अच्छा यार देखो, सिंपल सी बात है, मैं किसी को जिंदगी से निकालती हूँ ना, कोई बहुत टॉक्सिक होता है, तो मैं उसको ब्लॉक करती हूँ हर जगह से. ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो सबसे आसान काम यह है कि आप उसे ब्लॉक कर दें. कोई आपके घर तो नहीं आ जाएगा ना, कोई इतना भी अब पागल नहीं होता है, अब ये कोई वो तो नहीं चल रहा है, कोई कबीर सिंह तो चल नहीं रही है. कबीर सिंह ही है ना वो टॉक्सिक सी मूवी जो है, पता नहीं है कौन सी, कि वो आपके घर आ जाएगा, इस तरह नहीं होता है. ठीक है, तो सिंपली मैं, अगर मुझे कोई बहुत टॉक्सिक लग रहा होता है ना, या कोई टॉक्सिक, कभी कभार कोई लोग भी सोशल मीडिया पे ऐसे आ जाते हैं जो आपकी तकरीरों पे, मेरी तकरीरों पर ही आकर टॉक्सिक कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, या मेरे इनबॉक्स में आकर, मतलब आई स्वेयर ऐसा हुआ है अक्सर के लोग गालियां देने लगते हैं आकर, तो मैं बिल्कुल सिंपली ये करती हूँ ब्लॉक, मैं सिंपली करती हूँ ब्लॉक बस. बिल्कुल आप जब किसी को ब्लॉक कर देंगे ना, तो वो कितनी बार नया अकाउंट बनाकर आ जाएगा, या कितनी बार नंबर चेंज करके आ जाएगा? आपको जरूरत ही नहीं है जवाब देने की, आप जवाब आपको दे रहे हो। जरूरत ही नहीं है, मेरी मदर हमेशा एक रिस्पॉन्ड बात, करने की जरूरत नहीं है. मेरी वालदा एक बात कहती है हमेशा कि बेवकूफ इंसान के साथ जितने ज्यादा आप एक्सप्लेनेशन उसको दोगे ना हमेशा जीतेगा वही, तो इससे बेहतर ये कि आप उससे बात हाँ ही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा आप ही जो सेकंड हमारी लाइफ में की रिलेशनशिप है, पेरेंट्स ला दो. का रिलेशनशिप, हाँ पेरेंट्स के साथ हाँ क्या है कि बच्चे उनसे क्लोज नहीं होते। मैं जब छोटी थी तो मैं अपनी वालदा से इतनी इतनी छोटी छोटी बात आके उनसे शेयर किया करती थी, अपने स्कूल की लाइफ मैंने एक्सपीरियंस कराया, उनके घर जाती थी वापस आकर वहां से अपनी वालदा से बातें शेयर करती थी, तो एवरीवन वाज लाइक के यार ये बहुत चुगलियां करती थी मदर से, तो मैं बहुत सैड होती थी परेशान होती थी, यार मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ, मैं बस शेयरिंग करती हूँ अपनी मदर के साथ। जब मैं मैच्योर हुई और मैंने अपनी उन वालदा की उन नसीहतों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो मुझे समझ आया कि नो आई वाज राइट, दे वर रॉन्ग, बिकॉज आपके पेरेंट्स जो आप शेयर करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसे गिफ्ट देते हैं, बिकॉज मेरी मदर ने मुझे सिखाया कि बेटा यहाँ पे तुमने गलत किया, इस तरह अंदर नहीं करना, कभी सिखाया कि इस तरह लोगों से ना मिलो। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पेरेंट्स के साथ बच्चों की क्लोजनेस कितनी अहमियत रखती है? यार देखो, पेरेंट्स के साथ बच्चों को काफी क्लोज होना चाहिए, और मैं ये बात पेरेंट्स के लिए कहूंगी कि हम ये देखते हैं कि आजकल जो पेरेंट्स है ना, वो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे रहे होते हैं. ठीक है, या बच्चे पेरेंट्स से अटैच नहीं होते, अपने दोस्तों से ज्यादा अटैच होते हैं, या बच्चों को घर में मोहब्बत नहीं मिलती तो फिर वो बाहर मोहब्बत ढूंढते घूम हैं. रहे होते हैं ठीक है, तो मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स को इस मामले में कम से कम अपने बच्चों के साथ बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए. मतलब अपने बच्चों को इतनी मोहब्बत देनी चाहिए और कंफर्ट का वो लेवल बच्चों को देना चाहिए, कि बच्चे बच्चे जो बात अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं, वो बात अपने पेरेंट्स से कर सकें. ठीक बिल्कुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आजकल के माशरे के लिए. आजकल बहुत पुराशोभ दौर है, आप रोज खबरें सुने ना, तो ऐसी खबरें आ रही होती हैं कि दिल दहल के रह जाता है. तो बिल्कुल आजकल के इस पुराशोभ माहौल में बहुत जरूरी है कि जो बच्चे हैं उनका अपने पेरेंट्स से रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो. ठीक है, और इस बिल्कुल मामले में पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपने आप से क्लोज रखें. जी, क्योंकि देखिए ना जब बच्चे को घर से वो चीज नहीं मिलती तो वो बाहर तलाश में भागता है कि मुझे कोई दोस्त ऐसा मिल जाए, और फिर दोस्त तो मैं कहूंगी कि कोई ऐसा दोस्त नहीं मुखलिस हो सकता कि आप उससे अपनी इतनी पर्सनल बातें शेयर करो, तो वो सीक्रेट रखे, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
तो इससे अच्छा है कि आप अपनी वालदा से स्पेशली अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट हो जाए। हाँ, कंफर्ट जोन नहीं देते ना हम, इवन हमारे जमाने के अब्बुओं का भी यही है। क्या जब अब्बू से बात करनी होती है कोई, तो 2 दिन तक हौसला पैदा करना पड़ता है कि अब्बू से कोई बात करनी है हमें। 2 दिन तक बिल्कुल अपना ना माइंड बनाना पड़ता है कि ओहो अब तो अब्बू से जाकर बात करनी है। तो अब्बुओं को भी ये चाहिए, जो भी वालिद मोहतरम है उन सबको ये चाहिए कि अपने बच्चों के साथ एक ऐसा जोन बनाकर रखें जो उनका कंफर्ट जोन हो, जिसमें बिल्कुल बच्चे कम से कम आपसे अपनी बात तो कह सकें, बच्चे कम से कम आपसे कोई बात शेयर करने से पहले 100 बार ये तो नहीं सोचें कि अंजाम क्या होगा, अब इसमें बल्कि बच्चे ये सोचें कि। और जी इसमें जी मैं एक बहुत जो है इसमें मैं एक बहुत मजे का एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। जी जी एक बहुत मजे का इंसिडेंट हुआ, हमारी गली में ना बच्चे खेलते हैं, तो उन्होंने हमारी गाड़ी का ना शीशा तोड़ दिया। जब शीशा तोड़ा तो वो बच्चा जो है वो बता नहीं रहा था किसी को भी कि उसने शीशा तोड़ा है ना गाड़ी का। तो क्या हुआ जी कि उसको किसी तरह हमें पता चल गया कि इसी बच्चे ने शीशा तोड़ा है, बुलाया। और उसके अब्बू ने बुलाकर पूछा उससे कि भाई बेटा आपने शीशा तोड़ा? तो बच्चे ने बोला कि जी अब्बू। तो अब्बू ने उसको डांटा इस बात पे नहीं कि इसने शीशा तोड़ा। अब्बू ने इतना मुझे अच्छा लगा, उसके फादर ने उससे कहा कि बेटा मैंने आपसे कहा भी है कि आपकी जिंदगी का कोई भी मसला हो, कोई छोटा मसला हो, कोई बड़ा मसला हो, सबसे पहले आपने मुझे आकर बताना है। तो ये इतनी सी बात थी कि आपसे एक गाड़ी का शीशा टूट गया है, तो आपने मुझे से क्यों छुपाया, आपने मुझे आकर क्यों नहीं बताया? मैं इस बात पे आपसे नाराज हूँ और मैं इस बात पर आपसे अब बात नहीं करूंगा। तो बहुत मुझे अच्छा इतनी किया। अच्छी लगी ये बात कि उन्होंने इसलिए नहीं डांटा कि उस बच्चे से गलती हुई है, बल्कि उन्होंने इसलिए डांटा कि वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था कि वो उस अपनी गलती को अपने पेरेंट्स से शेयर कर सके। तो हमें इस और तरह ये का है ना, कंफर्ट जोन बनाना, हमें इस तरह का अब कंफर्ट वही जोन बनाना चाहिए अपने पेरेंट्स पेरेंट्स को इस तरह का कंफर्ट जोन बनाना चाहिए कि अगर बच्चों से कोई बड़ी सी बड़ी भी गलती हो तो बच्चे आकर आपको बता सके। को बताएं। बिल्कुल, बाज़ुकात मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो है बच्चों को खौफजदा करके रखते हैं, दबा के रखते हैं कि बच्चे फिर उनके पास जा ही नहीं पाते कुछ बात करने के लिए, वो डर जाते हैं जहां पे और उनकी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अलिजबा। और इसमें जो है ना बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अगर आजकल मेंटल ट्रॉमा के पेशेंट्स देखते हैं या मेंटल हेल्थ के, हम जो भी आई एम अ डॉक्टर, तो जितने भी हम हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बचपन में टॉक्सिक माँ बाप जरूर होते हैं। ठीक है, माँ बाप भी बिल्कुल टॉक्सिक हो सकते हैं, तो उनकी टॉक्सिक माँ बाप का एक्सपोजर होता है, जो बच्चों को मारते होते हैं या आपस में बहुत लड़ते होते हैं, घर में बहुत चीखों पुकार होती है। देखिए माँ बाप जो है ना बच्चों की तरबियत 2 तरह से करते हैं, एक तो बच्चों को ये बताकर कि बेटा ये सही है और ये गलत है, एक तो ये तरीका होता है तरबियत का। दूसरा तरीका तरबियत का होता है बच्चों को दिखाकर। ठीक है, बिल्कुल अब अगर माँ बाप ही आपस में लड़ रहे हैं और आपस में चीख रहे हैं, आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं या मार पिटाई चल रही है घर में, तो आपका क्या ख्याल है आपके बच्चे बहुत नरम मिजाज और बहुत काइंड बनेंगे? ऐसा नहीं होगा। बच्चे वो तो ये ही सीख देखते हैं जो वो सीखते हैं। दे प्रैक्टिस व्हाट यू प्रैक्टिस। बिल्कुल तो बच्चों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं कि जिनसे उनकी दिमागी तौर पर उनकी ग्रोथ हो सके, ना कि सप्रेस हो जाए। ये बहुत जरूरी है हमारे आजकल के माँ बाप को समझने के लिए। बिल्कुल। और जब पेरेंट्स बच्चों को दबा देते हैं ना, तो काफी सारे लोगों ने इस तरह मुझसे अपनी बातें शेयर की हैं कि वो रातों को बच्चे छुप छुप के रोते हैं फिर अपने पेरेंट्स से, तो कितनी गलत छुप बात है छुप के यहाँ पे। रोते हैं, छुप छुप के रोते हैं और अपने पेरेंट्स से फिर अपनी कोई बात ही नहीं कर पाते। वही ना, वो बताते ही नहीं है फिर उनको अपनी बात, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपकी आपने। अब हमारा जो थर्ड हमारा जो बात करेंगे हम जिसपे, वो है फियर ऑफ फेलियर, नाकामी का खौफ बहुत होता है हमारे नौजवानों में, तो उसके बारे में पूछना चाहूंगी कि नाकामी का खौफ पैदा कैसे होता है, क्यों होता है पैदा ये खौफ। यार देखो, जब मंजिल दूर हो, ठीक है, और मंजिल में आपको पता है कि रास्ते में मुश्किलात आएंगी, तो नाकामी का खौफ पैदा हो जाता है। ठीक है, इंसान नाकामी के खौफ से डरने लगता है, खौफ पैदा होता है, फिर वही खौफ डर पैदा कर देता है इंसान के अंदर। देखो, इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, अल्लाह मियाँ ने ये वादा नहीं किया कभी भी कि रास्ते में सिर्फ गुलाब ही मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल अल्लाह मियाँ ने कहीं ये वादा नहीं किया कि रास्ता कठिन नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल लेकिन वो है ना हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा, वो वाली बात है यहाँ पर, और नियत साफ मंजिल आसान। बिल्कुल अगर आपको कुछ पाने की ख्वाहिश है तो आप ये जान लें कि रास्ते में कांटे मिलेंगे। ठीक है, जरूर मिलेंगे। और आ, आ, मैं आजकल एक नॉवल पढ़ रही हूँ, अल्केमिस्ट।
अल्केमिस्ट में वो इतनी अच्छी बात कहता है कि जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन, बिल्कुल मतलब मंजिल से ज्यादा अहमियत उस रास्ते की है जिससे आप चलकर मंजिल पे पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कठिन और मुश्किल रास्ता है वो आपको आप बनाता है। लेकिन आप वो जो कठिन और मुश्किल रास्ता है वो आपको आप बनाता है, और उस कठिन रास्ते पर चलकर आप जो है वो कामयाबी हासिल करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हमेशा कभी भी मंजिल से या उस तक पहुंचने के दरमियान नाकामी के खौफ से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं क्योंकि हमें घबराना नहीं है, लेकिन उस खौफ को अपने अंदर बिठाना भी नहीं है। ठीक है, बल्कि बिल्कुल उस रास्ते को हर देखें, हर मुश्किल के बाद आसानी। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अगर कोई मुश्किल भी आपको मंजिल के रास्ते में महसूस होती है या पैदा होती है, तो आप उसके खिलाफ भी अपना रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही रखें। बिल्कुल कभी भी अगर हमें, मिसाल के तौर पर, हमें एक पहाड़ पर पहुंचना है, और पहाड़ पर हम डायरेक्ट क्या चोटी पर उतर सकते हैं? उसकी नहीं उतर सकते, नहीं हमें पहाड़ पर नीचे से ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। और जो जिंदगी है ना, वो उसकी चढ़ाई में ही मिलेगी। वो जो उसकी बिल्कुल चढ़ाई जो है, उसी में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जो आपकी मुश्किलात भी आती हैं रास्ते में, जो मसले भी आते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस में इजाफा करते हैं। जब वो जो साइंटिस्ट था जो बल्ब नहीं बनाया पाया था, 1000 मरतबा भी कोशिश करने के बावजूद, तो उसने ये नहीं बोला कि आई फेल्ड 1000 टाइम्स, उसने बोला कि आई डिस्कवर्ड 1000 मोर वेज टू रीच माई यस डेस्टिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा क्या है हमारे यंगस्टर्स क्या सोच रहे होते हैं कि मैं थोड़ी सी मेहनत करूं और थाली में मुझे मेरी कामयाबी मिल जाए, ऐसे सोचते हैं हमारे यंगस्टर्स। पर ऐसा हो तो नहीं सकता ना, आपका फेल्यूर आपकी स्ट्रगल है और वही आपको आगे लेके जाएगा। जिस तरह से और बाजू का क्या होता है कि यंगस्टर्स तनावर दरख्त बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जल्दी से, तो अगर हम इस चीज को जरा गौर करें तो एक तनावर दरख्त होता है और छोटे पौधे होते हैं उसके पास, लेकिन जब आंधी या तूफान आती है तो वो तनावर दरख्त जड़ से निकल जाता है, दोबारा कभी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उन पौधों में इतनी लचक होती है कि वो ऐसे लेट जाते हैं और जब तूफान थम थम जाता है तो वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। तो मैं यही कहती हूँ यंगस्टर्स को कि वो तनावर दरख्त बनने की कोशिश में ना लगे रहो, उन पौधों की तरह बनने की कोशिश करो, खुद में कोई लचक पैदा करो हर चीज के लिए। मतलब आप वो मत होगा कि मुझे मिल क्यों नहीं रही है, मैं फेल क्यों हो रहा हूँ उसके लिए। बिल्कुल ठीक कहा हाँ, आपने। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है अलिशबा, कि जो हमारा सफर है ना, वो उसकी एक ब्यूटी होती है। ठीक है, जो सफर है ना, अब कभी अगर इंशाल्लाह किसी और सेशन में मौका मिला, सो आई वुड शेयर माय ओन स्टोरी कि कितना कठिन सफर था ये डॉक्टर बनने का, और डॉक्टर बनना किस तरह लम्या ने जो है वो इसको पॉसिबल बनाया। लेकिन मौला अली फरमाते हैं कि मैंने खुदा को इरादों के टूट जाने, नियतों के बदल जाने और हौसलों के पस्त हो जाने से पहचाना। तो हमेशा जो आप मंजिल है ना आपकी, वो आपको इसी तरह मिलती है। जब तक आपका हौसला नहीं टूटेगा ना एक मरतबा, तब तक आप उठ नहीं सकते। यार देखो, बिल्कुल फेलियर, आप 7 बार फेल होते हैं तो 8 बार उठकर खड़े भी तो होते हैं, तो उसको कंसिडर करें। ठीक है, और फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, देयर इज नो सक्सेस विदाउट अ फेलियर। दुनिया में कोई फेलियर ऐसा शख्स, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो फेल ना हुआ हो। ठीक है, बिल्कुल जिसको किसी कठिन, किसी मुश्किल का जो है वो सामना ना करना पड़ा हो। चाहे हम इसमें रसूल खुदा की मिसाल लें, जब आप आए और तबलीग आपने शुरू की इस्लाम की, तो कितनी मुश्किलें उठाई आपने, कितनी मुश्किलात का सफर तय करके, कभी आपके पांव लहूलुहान है, कभी आपको जो है वो पथराव किया गया आपके ऊपर, कभी जो है आपके लिए खाना बंद कर दिया गया और कई कई महीनों तक खाना नसीब नहीं हुआ, और कभी आपको हिजरत करनी पड़ी कि दुश्मन आपके सर पर थे। तो कितनी मुश्किलात का सफर करके जो है वो रसूल खुदा ने जो है हम तक इस्लाम पहुंचाया। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े इंसान की मिसाल ले लें, तो आप ये समझ जाएंगे कि जब वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था, उसके लिए भी मंजिल आसान नहीं थी। तो आप एक आम से इंसान है, आपके लिए मंजिल कैसे आसान हो सकती है? लेकिन हमारी इस्लाम मोटिवेशन यही है कि जितनी भी मुश्किलात आई, उसके बावजूद रसूल खुदा ने जो है वो अपने कदमों को रोका नहीं, और आप चलते रहे अपनी मंजिल की जानिब। बिल्कुल। और हमारे नौजवान क्या है कि इनको अपनी परेशानियां बहुत जल्दी याद आ जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों सबक क्यों नहीं सीखते। अच्छा आजकल अर्तुरुल ड्रामा बहुत देखा जा रहा है, मगर अब मैं बात करूं, मैं बहुत कम देखती, मैंने उससे एक चीज सीखी वहां,
वो अटल कितनी मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ा, कितनी दफा वो फेल भी हुआ, खुद को मार मार कर उसने इस्लाम को स्प्रेड किया। लेकिन अगर नौजवान अगर वो ड्रामा देख रहे हैं तो वहां से ये नहीं सीख पा रहे हो कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और मैं समझती हूँ हाँ जब तक आपके पास जहनी सलाहियत मौजूद है ना, तब तक आप बेबस नहीं हो। हाँ और यार वैसे भी बेबसी और मायूसी तो मेरे ख्याल से कुफ्र है। मायूस तो वो होता है जिसका खुदा नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल मायूसी कुफ्र है और मायूस वो होता है जिसका खुदा नहीं होता। अगर आपके पास एक सुप्रीम पावर मौजूद है ना आपके सर के ऊपर, मतलब अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ ने हमें मुसलमान बनाया और जो है हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा, तो हमारे आमीन। ऊपर तो इतना एहसान है ये कि हमारे पास हमेशा एक सुप्रीम पावर है हमारे ऊपर, कि जब हम थक जाते हैं, जब हम होते हैं, तो हमारे आंसू जो है वो दुआओं की शक्ल में ऊपर जाते हैं और चीजें ऐसी ठीक होती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब इंसानी अकल तो दंग रह जाती है कि ये कैसे हो गया। मतलब मेरी जो स्टोरी है, अगर मैं कभी आपको सुनाऊंगी इंशाल्लाह, तो मैं सोच नहीं सकती थी कि ये कैसे हो रहा है सब। मतलब मैं बस ये सोच रही बिल्कुल होती थी कि, मतलब मैं बोलती थी अपनी अम्मी से कि मम्मा ये कैसे हो रहा है, मम्मा ये मतलब कौन कर रहा है, मतलब ये कैसे मेरे लिए राहें आसान हो रही हैं। मैंने तो सिर्फ सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है और ये कैसे राहें आसान हो रही हैं और चीजें इस तरह अनफोल्ड हो रही हैं मेरे सामने। खुद ही अल्लाह मियाँ ऐसी राहें बना रहे हैं जिनके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि मेरी मंजिल उसके पास डिफाइंड थी कि मुझे कहाँ पहुंचना है और मुझे एक मेरी मंजिल क्या है। तो उसने क्या किया, मुझे वो हौसला दिया और वो हिम्मत दी कि जितने भी हालात, और आप यकीन करें कभी कभार ऐसे हालात हो जाते थे कि बस लगता था अब तो सब खत्म है, अभी कुछ नहीं हो सकता। मतलब कभी कभार ऐसा महसूस होता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आसानियों से पूछ ना मंजिल का रास्ता, अपने सफर में राह के पत्थर तलाश कर, जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वसअतों में समंदर तलाश कर। तो हमेशा हमें जो है वो जर्रे में और कतरे में हमें ढूंढना है कि क्या तफसीर है और क्या जो है वो वसत है हमेशा हमारी मंजिल की। वैसे आप, ये फियर ऑफ फेलियर जो है ना, कामी का खौफ है, ये यंगस्टर्स की मेंटेलिटी पे कितना असर कर सकता है ये बताना। यार देखो, हमारे यहाँ एक बड़ी बीमारी है यंगस्टर्स को जिसे कि हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ओवर थिंकिंग वो बहुत होती है और ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत की जाती है, और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत 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 सोचकर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग जो है वो समझ लो डिप्रेशन का एक वो है। कभी मौका मिले तो मेंटल हेल्थ पे भी इंशाल्लाह सेशन करेंगे। तो जो डिप्रेशन इंशाल्लाह है, जब आप बहुत ओवर थिंक करते हैं तो फिर मंजिल का और रस्ते का खौफ आपके जहन में बैठ जाता है। देखो, बहुत सारी चीजें हमेशा जो हम ओवर थिंकिंग अवॉइड कर सकते हैं जिसके जरिए, जैसे मैं हूँ, मैं जब बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगती हूँ तो मैं अपनी फिजिकल हेल्थ पे तवज्जो देती हूँ, ठीक है। फिजिकल हेल्थ में मैं एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वर्कआउट, इन सारी चीजों पर तवज्जो देती हूँ। जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि सबको पता है कि वर्कआउट से ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको जहनी सुकून देते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर मैं अल्लाह एग्जैक्टली मियाँ और अपना कनेक्शन स्ट्रांग करती हूँ। जब मैं अल्लाह मियाँ और अपना कनेक्शन स्ट्रांग करती हूँ और एक बात सोच लेती हूँ कि जो मेरे नसीब में लिखा है मुझे मिलकर रहेगा, मुझे सिर्फ अपनी वो मेहनत करनी है, वही मुझे मिलेगा सिर्फ अपनी बिल्कुल। मेहनत करनी है, वो ही मिलेगा जो आपके नसीब में लिखा है। मुझे सिर्फ अपनी मेहनत करनी है कि अल्लाह मियाँ मेहनत को देख रहा है और वो आदिल है, वो कभी भी ना इंसाफी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेरी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। बिल्कुल ठीक कहा आप ही आपने। बाज़ूकात क्या होता है कि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अपने आज में रहकर कभी कभी पास्ट की परेशानी, कभी कभी फ्यूचर की परेशानी, तो फिर मैं सोचती हूँ कि रिश्मा तुम आज को अच्छा जियो ना, कल के बारे में या पास जो गुजर गया उसके बारे में सोचने का क्या फायदा। तो फिर कुरान की तिलावत में कहती हूँ यंगस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा करें, इतना सुकून होता है उसमें, आपको एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन मिलना शुरू हो जाती है। हाँ, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि मौला अली फरमाते हैं कि इंसान ना अजीब शय है, ये अपने जो है वो माजी का सोचकर भी हाल खराब करता है और अपने मुस्तकबिल का सोचकर भी हाल खराब करता है, और अपने आज पर तवज्जो नहीं देता कि वही तो हासिल है। बिल्कुल, तो ना इधर का रहता है ना उधर का रहेगा वो इंसान। हाँ, तो जो हम इसमें एक बड़ा अच्छा कोट है, एक बहुत एनिमेटेड मूवी है कंग फू पांडा। तो कंग फू पांडा में जो है वो कहता है कि यस्टरडे वाज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट।
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट. जो हमारा आज है उसको हम प्रेजेंट ही इसलिए बोलते हैं कि वो गिफ्ट है. और इंसान का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि इंसान अपने आज में नहीं जी सकता है. ठीक है, इंसान किसी के साथ भी अगर हम बैठे हुए होते हैं ना, तो हम आधे टाइम अपना फोन यूज कर रहे होते हैं. अगर हम किसी से बात भी कर रहे होते हैं ना, तो आधे टाइम हम किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं. हम जो प्रेजेंट मोमेंट की ब्यूटी है उसको भूल गए हैं सब. तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है कि हम अपने आज में जीना सीखें. ठीक है, और मुस्तकबिल के लिए मेहनत, ये करें नहीं कि मुस्तकबिल के लिए मेहनत ना करें या मुस्तकबिल के लिए कोशिश ना करें. मुस्तकबिल के लिए कोशिश करें, लेकिन उस कोशिश में अपने आज को तबाह नहीं. बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बाजू का क्या होता है कि हम इन सब परेशानियों की वजह से अपने आज में अपने अपने रिश्ते खो देते हैं। इतनी हम फ्यूचर के लिए मेहनत करना स्टार्ट हो जाते हैं। वही फेलियर के हवाले से मैं बात करूं, अगर जब हम फेल होते हैं ना, तो उसके बाद हमें कितनी वो चोट लगती है कि हम पागल हो जाते हैं। बिल्कुल हाँ, मेरी आवाज आ रही का है? पता होता है ना, अपने बहन भाइयों का पता है कि हमें उन्हें भी टाइम देना है। हम बस दीवाना है वार लगे रहते हैं उसके पीछे। तो ये बहुत गलत करते हैं यंगस्टर्स। आप हर चीज को बैलेंस में रखें, हर चीज को टाइम डिवाइड करें। यही मेरी राय का रूल है। हाँ यार, देखो, हर चीज का टाइम तो डिवाइड करें, लेकिन जब आपकी मंजिल डिफाइंड है ना, तो मेरे ख्याल से डिफाइंड मंजिल उन्हीं को मिलती है. मंजिल उन्हीं को मिलती है जो दीवाने बनकर मंजिल का पीछा करते हैं. ठीक है, तो बिल्कुल मंजिल के पीछे दीवाना बनना और है, और लड़की के पीछे या किसी और चीज के पीछे दीवाना बनना और है. ठीक है, तो कोशिश बिल्कुल करें कि जो आपकी मंजिल है ना, आप उसके उसके लिए दीवाना वार ही कोशिश करें. कामयाब वही होते हैं जिनके अंदर जुनून और जज्बा होता है. ठीक है, और हम और सबसे बड़ा जो यार सबसे बड़ा जो काम है ना, वो बिलीफ सिस्टम का है. ठीक है, बिलीफ सिस्टम, अगर मैं ये समझती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं ये समझती हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती तो मैं कभी नहीं कर सकती. ठीक है, इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कैंट यू आर राइट. तो हमें ये समझने की जरूरत है, यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन डू इट, ओनली देन यू कैन डू इट. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ही इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि तो जिस तरह आपने कहा कि हमें जो हमारी मंजिल हमें हासिल करनी है उसके पीछे दीवानों की तरह आप लग जाएं। अच्छा, मगर मैंने देखा है यंगस्टर्स को दीवाना तो हो जाते हैं वो, लेकिन वो खुदा को भूल जाते हैं उस दौरान। उनका ओढ़ना बिछोड़ना सब वो मेहनत हो जाती है। तो इस वक्त में मैं नहीं समझती कि आप अपने अगर माँ बाप का कहना मानना छोड़ दें, आप उनकी हेल्प करना छोड़ दें, या खुदा का साथ छोड़ दें, तो फिर आपको मंजिल मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी आसानी से मिल सकती है। अच्छा यार, इसमें मैं एक बहुत छोटी सी बात करूंगी और बहुत आसान सी बात है कि हर कोई दुनिया में किस चीज के पीछे भाग रहा है. हर कोई दुनिया में कामयाबी के पीछे भाग रहा है. हमें कामयाब होना है, हमें कामयाबी चाहिए, हमें सक्सेसफुल बनना है. बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मस्जिद से दिन में 5 मरतबा आवाज आती है कि हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की वही तरफ, आओ नमाज की तरफ, तो कितने लोग हैं जो उस पर कदम बढ़ाते हैं. कामयाब देखो जिंदगी में वो ही होता है जो हर चीज बैलेंस करके चलता है. बिल्कुल ठीक है, जिसके रिलेशनशिप्स बैलेंस होंगे, जिसके अल्लाह के साथ टाइम बैलेंस होगा, जिसकी अपनी पढ़ाई बैलेंस होगी, जिसकी जो है वो सोशल मीडिया का टाइम बैलेंस होगा, वही जिंदगी में कामयाब होगा. तो बिल्कुल हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दीवानावार कोशिश तो करें, लेकिन उसके लिए दीवानावार इस तरह कोशिश ना करें कि हम अपने सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स को ही खो दें. बिल्कुल ऐसी कामयाबी का क्या फायदा जिसको सेलिब्रेट करने के लिए आपके माँ बाप ही ना हो. बिल्कुल ऐसी कामयाबी किस काम की है जो अल्लाह मियाँ की नाराजगी के साथ हासिल हुई हो. बिल्कुल ठीक कहा। मेरे ख्याल से ऐसी कामयाबी से आपको खुशी तो मिल सकती है, लेकिन सुकून नहीं मिल सकता. लेकिन सुकून ऐसी कामयाबी से आपको कभी नहीं मिलेगा. हमेशा वो इस्तराब और वो बेचैनी, वो आपके रूह का मुस्तरिब होना आपके साथ हमेशा रहेगा. बिल्कुल ठीक कहा आप ही। आपने आज माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, लेकिन नमाज का वक्त भी हुआ जा रहा है। दिल नहीं कर रहा कि बातों को खत्म करें। हम इंशाल्लाह दोबारा आपसे जरूर लाइव शो करेंगे, लेकिन अभी जिस तरह वक्त हमारा काफी चला निकल गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जरूर साथ होंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज। आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कोई और सवाल है तुम्हारे पास तो पूछ लो, कोई मसला नहीं है. कोई और सवाल है तुम्हारे पास तो पूछ लो, कोई मसला नहीं है. सवाल मैंने तो पूछने हैं, पब्लिक के कुछ सवाल हैं तो फिर पूछ सकते हैं। हाँ, कोई पूछ रहा है कि मैं वापस कराची आ गई. जी, मैं वापस कराची आ गई हूँ और कराची में ही हूँ. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम.
चलो फिर बस इसको एंडिंग नोट पर ख़त्म करते हैं, और बस मेरा मैसेज हमारे यंगस्टर्स के लिए यही है कि आप जो है वो अपने रिस्पॉन्स पे तवज्जो दें कि आपका रिस्पॉन्स चीज़ों के खिलाफ कैसा है। और बिल्कुल यार जो नाकामी का खौफ है ना, उससे इंसान अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कभी कभी खो देता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड करना है और किस तरह बिल्ड कर सकते हैं वो बहुत एक अलग ही टॉपिक है और एक बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन अगर मेरे YouTube चैनल पे बच्चे जाएंगे तो वहां पर उन्हें एक सीरीज मिलेगी जो कि मैंने लर्न विद उम्मे फरवा के नाम से शुरू की थी, और इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर काफी बात की है मैंने। तो मेरे YouTube आपको चैनल पर YouTube चैनल पर बच्चे जा सकते हैं और वहां पर जो है वो लर्न विद उम्मे फरवा जो सीरीज है उसको देख सकते हैं। उसमें इंशाल्लाह और भी टॉपिक्स मैं शामिल करूंगी, जिस जो मुझे बच्चे बोलते हैं कि आप ही इस पर बात कर लें, इस टॉपिक पर बात कर लें, तो वो तमाम टॉपिक्स मैं उसमें शामिल करूंगी। तो उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं किसी के काबिल मैं किसी के काम आ सकूं थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से मैं समझूंगी कि मैंने जिंदगी का हक अदा कर दिया। तो बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत मजा आया बात करके। एंड आई विश शुक्र यू ऑल दी बेस्ट, एंड अल्लाह मियाँ तुम्हें भी हर राह में और हर चीज में कामयाबियां दे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज नाजरीन। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट मंडे मुलाकात होगी, बट आई थिंक ईद की वजह से हम नेक्स्ट मंडे ना मिल पाए, तो उससे नेक्स्ट मंडे हम जरूर मुलाकात होगी हमारी। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।